शाह को मैसेज क्या देना है कि भाजपा को भगाना जी और क्या, भाजपा भागेगी तो सारी समस्याओं का हल होगा और लोगों का विश्वास महागठबंधन पर आदरणीय नीतीश जी और लालू जी पे पूरा है। भाजपा कोई पार्टी है जी? भाजपा देश को बर्बाद करने वाली पार्टी। नमस्कार, मैं सागर कुमार, आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि इस वक्त तेजस्वी यादव मोकामा विधानसभा क्षेत्र के घोसपरी प्रखंड में प्रस्थान कर चुके। लगातार आपको दिखाया जा रहा है विजुअल्स में किस तरह से तेजस्वी यादव के साथ में ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब उनके साथ में आए यहाँ पे। अब जनता को संबोधन करने वाले, जनसभा करने वाले क्या कुछ कहेंगे, लगातार आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी है तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, लोग कैसे उनसे मिलने के लिए उनके पास जा रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार अब लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। आप भीड़ देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरह से लोग उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लगातार आपको दिखाया जा रहा है किस तरह से यहाँ पे तेजस्वी यादव आ गए। तेजस्वी यादव को दिखने के लिए तेजस्वी यादव अभी तुरंत हेलीकॉप्टर से घोसपरी प्रखंड में उतरे, यहाँ पे जनसभा करने वाले, लोगों को संबोधन करने वाले मोकामा उपचुनाव के ऊपर। आज चुनाव का, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, क्या कुछ कहते हैं तेजस्वी यादव, अब कुछ ही देर में ये मंच में, मंच से लोगों को संबोधित करेंगे, क्या कुछ कहते हैं, इस तरह की तमाम खबरें आपको लगातार हम अपडेट दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने लगातार, आप विजुअल्स में देख रहे हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव पहुँच चुके मंच की तरफ, वो जा रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ में। सर, आज जनसभा के लिए यहाँ पे क्या जनता को मैसेज देना है, सिर्फ एक चीज बता दीजिए। जनता को मैसेज क्या देना है कि भाजपा को भगाना जी और क्या, भाजपा भागेगी तो सारी समस्याओं का हल होगा, निदान होगा, बेरोजगारी मिटेगी। हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास में लगे हुए हैं, सबको साथ, समाज के हर वर्ग को, हर धर्म के लोगों को, हर जात के लोगों को साथ लेके चलना जी। जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो अंतिम पैदान पे खड़ा हमारा समाज है, गरीब है, उसको मुख्य धारा में लाना, इस जगह हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों का विश्वास महागठबंधन पर आदरणीय नीतीश जी और लालू जी पे पूरा है। और ये जनसभा में जो भीड़ उमड़ पड़ी है, क्या देख के लग रहा है चुनाव कैसा होने वाला है? वो हर बार होता है भीड़ जी, उसमें कहाँ कोई कमी है, लोग आते हैं सुनने देखने और, लेकिन इस बार मिजाज लोगों का अलग है। इस बार सब लोगों ने मूड बनाया है कि जो बाय इलेक्शन है इसमें भारी मतों से, रिकॉर्ड तोड़ वोट से जिताना है। नरेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनसभा संबोधित करने के लिए? यहाँ भी है, मिकरा में भी जनसभा को संबोधन करना है, क्या कुछ मैसेज देने लाए? कुछ नहीं है, चुनाव है ही नहीं। हम लोग तो राजनीतिक पार्टी के रूप में, हमारे उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके लिए वोट मांगने आए, लेकिन मोकामा के लोग पहले दिन से मन बनाए हुए हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार श्रीमती नीलम देवी को जिताएंगे। ये भाजपा जैसी बड़ी पार्टी उतरी हुई है मैदान में, क्या लगता है कि मुकाबला, मतलब डर का भी मामला है? कोई भाजपा कोई पार्टी है जी? भाजपा देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है, देश को बांट रही है। देश में जो मूल समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, उस पर चर्चा नहीं हो, इसके लिए धार्मिक उन्माद फैलाने पर चर्चा करती है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने पर चर्चा करवाते रहती है। ये पार्टी है, देश की समस्याओं के साथ सरकार को जूझना चाहिए। और चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? मोकामा की जनता से हम सबों की अपील है कि महागठबंधन की समर्थित राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्रीमती नीलम देवी जी को भारी मतों से 3 तारीख के मतदान में जिता। क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव से, मेरी बातचीत हो रही थी, ललन सिंह को भी आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे, आपने सुना? तो इसी तरह की तमाम जो अपडेट होंगे दिन भर हम आपको दिखाते रहेंगे। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।